वालेकुम क्रिएटिव राइटिंग कोर्स की आज की वीडियो में खुश आमदीद पेजेज़ इन राइटिंग आपको जैसे जानते ही हैं कि उसमें कुछ प्री राइटिंग कुछ राइटिंग और कुछ पोस्ट राइटिंग की मराहिल होते हैं उसके बाद एक कोई मुसवदा या कोई तहरीर मुकम्मल होती है आज हम जो है प्लानिंग यानी कि उसकी तैयारी या उससे लिखने से पहले का जो अमल है उसके लिए कुछ स्ट्रैटीज़ के ऊपर गौर करेंगे जैसे कि आपको मालूम है कि प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है किसी भी काम का और उसके साथ ही उसकी नोक पलक भी दुरुस्त की जाए और उसको अच्छी बुनियाद दी जाए तो ही एक मुकम्मल तहरीर सामने आ सकती है तो इसमें आ, कुछ डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं पहली सबसे ये है कि आप ब्रेन कर सकते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्रेन है फिर आपने जो उसके ज़रिए जो चीज़ें इकट्ठी की उसको किस तरह आप डिफरेंट कैटेगरीज में बना सकते हैं और ग्रुप्स उसके बना सकते हैं और माइंड मैप कैसे बनाया जा सकता है और एक और प्लान की सूरत में उसका ख़ाका कैसे बनाया जा सकता है ब्रेन हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने स्कूल कॉलेज वगैरह में भी की हो और उसमें यह होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ख़्यालत और आइडियाज़ अपने मौजू के मुताबिक इकट्ठे करने होते हैं वैसे तो हम आमतौर पर कहते हैं कि क्वालिटी अहम है और क्वांटिटी अहम नहीं है लेकिन ब्रेन स्टार्मिंग में ये होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ इकट्ठे करें और उसमें इस वक्त इस स्टेज के ऊपर क्वालिटी के ऊपर इतना ध्यान ना दें आ, और अपने आप को फिल्टर ना करें और उसका तज् ना करें जो चीज़ आप उसमें क्रिएट कर रहे हैं लेकिन बस आइडियाज़ को इकट्ठे करते जाएं एक दफ़ा जब ये आइडियाज़ इकट्ठे हो जाएं तो फिर उस वक्त आता है काम उसका तज्जिया करने का या उसको थोड़ा सा आप कैटेगराइज कर लें डिफ़रेंट ग्रुप्स में बाँट लें और इसके अलावा उसमें ये देखें कि कौन सी चीज़ अहम है एक लंबी लिस्ट बना लें सारी चीज़ों की और फिर जो कम अहम चीज़ें हैं उनको निकाल के एक शॉर्ट लिस्ट बना लें इसके अलावा प्लान की सूरत में एक खाका बन सकता है जो कि प्लान के जो लेटर्स हैं पी एल ए एन उसके अंदर हमारे लिए कोई इशारे हैं उसको देखते हैं कि हम कैसे इस्तेमाल में ला सकते हैं पी से बनता है प्रीव्यू ऑफ ऑडियंस यानी कि जिन लोगों के लिए आपने लिखना है जिस प्लेटफॉर्म के लिए लिखना है उसके बारे में आप जानें और उसके मुताबिक अपनी जो कंटेंट है वो इकट्ठा करें तो पहली चीज़ ये है कि अपनी ऑडियंस को जानें और दूसरा स्टेप इसमें ये है प्लान के एल से बनता है लिस्ट यानी जो आइडियाज़ हैं उनको आप लिस्ट करें पहले आप मेन आइडियाज़ को लिस्ट करें और हर हो सकता है एक तहरीर के लिए एक ब्लॉग या आर्टिकल के लिए आपके पास तीन मेन आइडियाज़ हों और उसके बाद आप उन तीन मेन आइडियाज़ के नीचे जो उनके इजाफ़ी आइडियाज़ हैं वो आप सारे लिस्ट कर लें तो ये लिस्ट की फ़ेज़ है पहले प्रीव्यू ऑडियंस हो गया लिस्ट ऑफ़ आई लिस्टिंग ऑफ आइडियाज़ हो गया और उसके बाद ए से है असाइन अ नंबर ये तो अभी आपने जैसे आपको ख़्यालत आए आप लिखते गए हैं उसको उसके बाद ये ज़रूरी है कि आप इसको किसी तरीके से सीक्वेंस में लाएं और उसको ऑर्गेनाइज़ करें यानी असाइन अ नंबर तो उस जहाँ पे आपने चीज़ें लिखी हैं उसके जो चीज़ पहले नंबर पे आनी चाहिए आप वहाँ पे वन नंबर डाल दें दूसरे नंबर पे जानी चाहिए टू टू डाल दें और इस तरह से करके इसमें अगला स्टेप ये है कि आपने इसको अभी तो ये आपका एक खाका है इसमें आपने आइडियाज़ लिखे थे और मुकम्मल जुमले नहीं थे आखिर में नोट डाउन सेंटेंसेस एन से है नोट डाउन सेंटेंसेस आपने हर जो पॉइंट आपके पास है उसको अब अपने तरतीब वार जो आपने नंबर्स दिए हैं उसके मुताबिक तरतीब से लिख लें और ये आपकी एक आउटलाइन तैयार हो जाएगी ज़रूरी नहीं है कि आउटलाइन को आपने ये एक्सटिन स्टोन है और इसको आप बिल्कुल बदल नहीं सकते और इसी को आपने स्टिक करना है आप इसमें किसी चीज़ की तरतीब आपने बदलनी है या कोई इजाफा करना है या कमी करनी है किसी चीज़ की वो आप कर सकते हैं हो सकता है आप इसके बाद जब आप रिसर्च का या तहक़ीक करने का मरल आए उसमें कोई नई चीज़ सामने आए और उसके मुताबिक आप अपनी आउटलाइन को बदलना चाहें लेकिन ज़रूरी है कि जब आप काम शुरू करें तो आपकी समत का कोई तयन हो गया हो और वो उस सिमत का तयन करने के लिए ये कुछ स्ट्रैटीज़ हैं यानी कि ब्रेन स्टॉमिंग कर सकते हैं आप माइंड मैप भी बना सकते हैं और ये प्लान की एक है अच्छा माइंड मैप के बारे में बताते हैं कुछ लोग जो हैं ज़्यादातर अल्फाज से सीखते हैं कुछ लोग शक्लों से या डायग्राम्स के ज़रिए बेहतर बातें समझ सकते हैं और उनकी सोच का धारा उससे तेज़ी से, से बहता है तो माइंड मैप ऐसे लोगों के लिए एक स्ट्रैटी है उसमें यह है कि आप कोई एक दायरे की शक्ल आपने बनाई और उसके बीच में आपने अपना मौजू लिख लिया समझ लें किसी मुल्क के ऊपर लिख रहे हैं जैसे कि नाइजीरिया नाइजीरिया के ऊपर अगर आपको आर्टिकल लिखना है अपना तो आपने बीच में नाइजीरिया लिखा और उस दायरे में से फिर आपने दिखाया कि जैसे ब्रांचेस या शाखें सी निकल रही हैं और हर ब्रांच जो है वो एक मेन आइडिया को रिप्रजेंट करेगी जैसे कि सकाफत हो गई जैसे कि सियासत हो गई तारीख हो गई उसकी इकतसादी हालत हो गई ये सारी चीज़ें आपने उसके मेन शाखों में लिख दी फिर आप सोचें कि अच्छा सकाफ़त के नीचे मुझे मैं कौन कौन सी चीज़ें या सब टॉपिक्स या इजाफ़ी ख़याल और कौन से आ सकते हैं फिर आप सकाफत के नीचे आप लिख लें खेल खाने के तरीके शादी की रसूम वग़ैरह तो इस तरह ही आपके पास बहुत से उसके सब टॉपिक्स आ जाएंगे और जब आप लिखने बैठेंगे नाइजीरिया के बारे में अपना एक मज़मून या आर्टिकल या ब्लॉग तो आपके पास कुछ मवाद होगा अगेन जैसे मैंने पहले कहा कि ज़रूरी नहीं है कि उसको आपने एज़ इट इज़ ही स्टिक करना है आप मौके के हिसाब से हो सकते कोई नए करंट अफेयर्स में कोई ऐसी चीज़ हो नाइजीरिया की फ़ुटबॉल ने कोई फ़ुटबॉल टीम ने कोई मैच जीता और वो आप इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं लेकिन ये अगर आपने पहले से काम कर रखा होगा तो आपके काम का सिमत तयन हो जाएगी और आपको ये अक्सर जो लिखने वाले ये सोचते रहते हैं कि हम शुरू कहाँ से करें तो ये आपको इस सवाल का जवाब है कि शुरू कहाँ से करें के लिए इससे एक सहूलत है तो दिस इज़ ऑल अबाउट स्ट्रेटजीज़ फॉर प्लानिंग